हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई एम प्रताप मेलकानी एंड आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लेसन 9 ऑफ क्लास 12 ज्योग्राफी बुक 1 फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। इस चैप्टर का नाम है इंटरनेशनल ट्रेड, जैसा कि आप सब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अभी तक अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज डू लाइक इट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड आप चाहें तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगे। तो हियर वी गो, स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन के साथ। तो ट्रेड को समझिए, ट्रेड एक ऐसा वॉलेंट्री एक्सचेंज है जो दो पार्टीज अपनी इच्छा से करती हैं, ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज है जो अपनी इच्छा से दो पार्टीज करती हैं और दोनों पार्टीज को बेनिफिट होता है। ट्रेड दो लेवल पर कंडक्ट किया जाता है, नेशनल एंड इंटरनेशनल। इंटरनेशनल एक कंट्री से दूसरे कंट्री, नेशनल विद इन द कंट्री। और इनिशियल फॉर्म ऑफ ट्रेड की हम बात करें, पुराने समय में जो ट्रेड था इट वॉज बार्टर सिस्टम, आपका तब इंटरनेशनल ट्रेड नहीं किया जाता था। और आज के दिन हम बार्टर सिस्टम का एग्जांपल देखें जो आज भी प्रैक्टिस किया जाता है बार्टर सिस्टम, तो इट इज प्रैक्टिस्ड इन जॉन बील मिलानियर गुवाहाटी इन अरुणाचल प्रदेश। और जो बार्टर सिस्टम की डिफिकल्टीज थी, दे वर ओवरकम बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ मनी। तो बार्टर सिस्टम में परेशानियां आपकी ये थी, आई होप आप सबको अवेयर हो गए, आप सब लोग, आप सबको पता होगा बार्टर सिस्टम के बारे में। कि मान लीजिए आपको लेदर चाहिए एंड आपके पास वीट है, तो आपको एक ऐसे पर्सन को ढूंढना पड़ेगा जिसको आप, जिसके पास वीट हो और उसको आपका लेदर चाहिए। तो ऐसा जरूरी नहीं था हर समय कि ऐसा पर्सन अवेलेबल हो ही जाए, तो इसलिए कुछ डिफिकल्टीज थी, स्टोरेज का भी प्रॉब्लम था, विच वर ओवरकम बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ मनी। लास्ट पॉइंट देख लीजिए, ओल्डर फॉर्म ऑफ करेंसी। तो जब मनी आपका नहीं था तो लोग स्किन्स के बदले ट्रेड करते थे, जानवरों के फर के बदले ट्रेड किया जाता था, कैटल एक तरह से कैटल के बदले गुड्स को लिया जाता था एंड राइस एटसेट्रा। तो ये थे ओल्डर फॉर्म ऑफ करेंसी। नेक्स्ट हम बात करेंगे डू यू नो। डू यू नो आप ऊपर देख सकते हैं, तो इसमें सिंपली बताया गया कि सैलरी वर्ड आपका कहाँ से डिराइव हुआ। तो मैं बताता हूँ आपको, पुराने समय में क्या होता था कि समुद्र से सॉल्ट निकालना पीपल पर अननोन, लोगों को पता नहीं था कि हम सी वाटर से भी सॉल्ट एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। उस समय सिर्फ रॉक सॉल्ट ही चलन में था, रॉक सॉल्ट का ही इस्तेमाल करते थे, जिन्हें आप आज के दिन सेंधा नमक कहते हैं। वो रॉक से निकलता है, वो माउंटेन होते हैं, रॉक सॉल्ट जिसे कहा जाता है। तो वो बहुत कॉस्टली था उसे निकालना रॉक सॉल्ट को, तो इसलिए पेमेंट बाय सॉल्ट, उस समय लोग रॉक सॉल्ट से ही पेमेंट कर देते थे, इसलिए उसको सैलरी कहा गया। तो आई होप आपको इसका मतलब समझ आया होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटरनेशनल ट्रेड की हिस्ट्री के बारे में। तो एंशियंट पीरियड में क्या होता था कि जो ट्रेड था इट वॉज रेस्ट्रिक्टेड टू लोकल मार्केट्स ओनली। जो आपका ट्रेड होता था वो ऐसा नहीं होता था कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में हो रहा है, वो सिर्फ लोकल मार्केट में रेस्ट्रिक्ट किया जाता था। अगर आपकी कोई क्रॉप है, आपने कुछ उगाया, अपनी वीट वगैरह, वो सिर्फ लोकल मार्केट में ही सेल ऑफ की जाती थी, वो आपके इंटरनेशनल ट्रेड नहीं होता था उसका। क्योंकि लोगों को डर था अपने गुड्स को दूर दराज के इलाकों में ट्रांसपोर्ट करने में, क्योंकि कई बार क्या होता था कि खराब मौसम की वजह से शिप्स डूब जाते थे, तूफान वगैरह आ जाता था एंड कई बार वो सामान की लूट लिया जाता था। समुद्री लुटेरों की कहानी आप सबने सुनी होगी बचपन में, कोई बताने की चीज नहीं है। तो वो सब सामान जो था वो लूट लिया जाता था, इसलिए लोगों को डरते थे लोग। और नेक्स्ट आपका है ट्रेडर्स ट्रांसपोर्टेड सिल्क वुल फ्रॉम इंडिया सेंट्रल एशिया थ्रू सिल्क रूट। तो सिल्क रूट आपका एक एग्जांपल है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड का, जो कनेक्ट करता था रोम को चाइना से। इस रूट से आपके जो सिल्क था, वुल था और कई सारी ऐसी चीजें, मस्लिन ब्रोकेट्स, कई सारी ऐसी चीजें जो बहुत फेमस थी आर्ट एंड क्राफ्ट, वो सब चीजें आपकी ट्रांसपोर्ट की जाती थी रोम में या दूसरे पार्ट ऑफ यूरोप में। और यूरोपियन कॉमर्स ग्रू बिटवीन 12 टू 13 सेंचुरी। अब हम यूरोप पे आते हैं, हम ये सब जानते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन आपका यूरोप से शुरू हुआ, पर यूरोपियन कॉमर्स जो था वो स्टार्ट आपका होने लगा था 12 टू 13 सेंचुरी में। ये इसलिए क्योंकि इस समय आपका जो यूरोपियन रोमन एम्पायर था, सॉरी, वो डिसइंटीग्रेट हो चुका था। रोमन एम्पायर में आपकी कई सारी कंट्रीज आती थी, वो सब अलग अलग हो चुकी थी। तो इसलिए क्या हुआ कि अब वॉर चल रहे थे उन सबके बीच, तो इसलिए वॉरशिप्स का ट्रेड होता था बिटवीन यूरोप एंड एशिया। लास्ट इज अराउंड 15th सेंचुरी स्लेव ट्रेड वॉज स्टार्टेड ड्यू टू कोलोनियलिज्म। तो 15th सेंचुरी में आपका कोलोनियलिज्म आया, जब आपके डच, स्पेनियार्ड्स, आपके ब्रिटिश, आपके पोर्टुगीज जितने भी थे वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, कैप्चर करते थे, कॉलोनीज बनाते थे अपनी। स्पेशली ब्रिटिश की हम बात करें तो उन्होंने हमारी कंट्री को 200 साल तक राज किया। तो 15वीं शताब्दी या सेंचुरी आप कहें तो स्लेव ट्रेड, एक कंट्री से लोगों को कैप्चर करना, गुलाम बनाना और दूसरी कंट्री में जाके उन्हें अपने काम में ले लेना, दूसरी कंट्री में उन्हें प्लांटेशन पे लगा देना, अफ्रीका में बहुत कॉमन होता था, अफ्रीका के लोगों को जाता था शिप्स के द्वारा एंड अपनी दूसरी ब्रिटेन में प्लांटेशंस जो होती थी वहां कॉफी टी ये सब उगाई जाती थी, वहां वो उन्हें काम पर रख लेते थे और दे वर ट्रीटेड वेरी बैडली। तो आई होप आप सबको समझ आया होगा ये फेस। तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद क्या हुआ, जो रॉ मटेरियल्स की डिमांड थी वो तो बढ़ी, बट जो मॉनेटरी वैल्यू थी, जो पैसा, पैसे की वैल्यू थी कि कितने रुपए में आप रॉ मटेरियल खरीद रहे हो और कितना आप मैन्युफैक्चर गुड्स बना के बेच रहे हो, उसमें जमीन आसमान का फर्क था। 5 रुपए की कॉटन खरीदी आप समझिए तो 500 रुपए की उसकी कॉटन की शर्ट बना के बेच दी जा रही थी। तो यही उसका मतलब है।
सेकंड आपसे कहता है कि इन लेट 19th सेंचुरी, तो 19th सेंचुरी के आखिर में आते आते क्या हुआ, जो इंडस्ट्रियल रीजन्स थे जैसे नॉर्थ ईस्टर्न सॉरी ईस्टर्न रीजन ऑफ अमेरिका, जो एक बहुत फेमस है, मैंने आपको हर चैप्टर में मोस्टली बताया है कि नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप हो गया आपका और ईस्टर्न यूएसए हो गया, वो बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रीजन्स थे, तो ये एक दूसरे के पार्टनर बन गए, ऐसे रीजन्स जो एक बहुत फेमस रीजन है जिनका ट्रेड बहुत अच्छा था वो एक दूसरे के प्राइम कस्टमर्स बन गए, और जितने भी प्राइमरी प्रोडक्ट्स थे वो दोनों एक दूसरे को सप्लाई करने लगे। इससे क्या हुआ कि जो डेवलपिंग कंट्रीज थी जिनसे पहले वो रॉ मटेरियल्स खरीदते थे, अब वो उनसे भी खरीदने नहीं लगे। और कई बार तो क्या होता था, आप सब जानते ही हैं कि हमारी कंट्री 200 इयर्स तक ब्रिटिश के डोमिनेशन में रही, तो हमारी कंट्री से रॉ मटेरियल्स ले जाते थे, एक तरह से लूटते थे हमारी कंट्री से और उन्हें ब्रिटेन में ले जाके मैन्युफैक्चर करते थे। तो वर्ल्ड वॉर के बाद 1945 आपका लास्ट वर्ल्ड वॉर रहा, सेकंड वर्ल्ड वॉर जो 1939 टू 45 चला, उसके बाद आपका जनरल एग्रीमेंट फॉर टैरिफ्स एंड ट्रेड फॉर्म किया गया। ये इसलिए क्योंकि उस समय इंटरनेशनल ट्रेड में बहुत ज्यादा टैरिफ्स ट्रेड बहुत बढ़ चुके थे, इसलिए GATT को फॉर्म किया गया इन 1948। आई होप आपको क्लियर हुआ। नेक्स्ट है आपका, व्हाई डज इंटरनेशनल ट्रेड एग्जिस्ट। तो एक क्वेश्चन है जिसका आंसर ये है कि इंटरनेशनल ट्रेड इसलिए होता है क्योंकि इट इज द रिजल्ट ऑफ स्पेशलाइजेशन एंड प्रोडक्शन। कुछ कंट्रीज, जितनी भी वर्ल्ड की कंट्रीज हैं, वो किसी ना किसी चीज में स्पेशलाइज्ड है, प्रोडक्शन में कुछ ना कुछ चीज उनके पास अच्छा है। लाइक हमारे यहाँ आयरन स्टील अच्छा है, बट हमारे यहाँ पेट्रोलियम के इतने अच्छे रिजर्व नहीं है। तो उसको आप अफ्रीका के एग्जाम्पल के साथ समझिए कि पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस जैसे अल्जीरिया में बहुत अच्छे से होता है, बहुत अच्छे रिजर्व हैं यहाँ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के, बट यहाँ गोल्ड नहीं होता है। गोल्ड आपका साउथ अफ्रीका में काफी अच्छे रिजर्व्स हैं। तो दोनों कंट्रीज अपनी अपनी रिस्पेक्टिव चीजों में स्पेशलाइज हैं। अल्जीरिया आपका पेट्रोलियम में अच्छा है, तो आपका साउथ अफ्रीका गोल्ड में अच्छा है। ये दोनों अगर इंटरनेशनल ट्रेड करेंगे तो अल्जीरिया इंटरनेशनल मार्केट में अपना नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, ये सब चीजों को ट्रेड करेगा, और जो साउथ अफ्रीका होगा वो अपना गोल्ड ट्रेड करेगा। इंटरनेशनल ट्रेड की हम बात करें तो तीन प्रिंसिपल्स पे, तीन सिद्धांतों पर ये बेस्ड है। सबसे पहला है आपका कंपैरेटिव एडवांटेज। कंपैरेटिव एडवांटेज का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपका गोल्ड माइन करने की कॉस्ट जो इंडिया में है वो मान लीजिए ज्यादा है एज कम्पेयर टू साउथ अफ्रीका, तो जो खरीदने वाला होगा वो साउथ अफ्रीका से गोल्ड खरीदेगा, क्योंकि वो सोचेगा कि इंडिया में गोल्ड इतना महंगा है, अगर वो इंडिया से खरीदेगा तो, क्योंकि गोल्ड सेम है, वही अर्थ से निकल रहा है, बट जो कॉस्ट डिफरेंस है, कंपैरेटिव एडवांटेज उसे कहां से मिलेगी, साउथ अफ्रीका से मिलेगी, इसलिए वो साउथ अफ्रीका से खरीदेगा। इंटरनेशनल ट्रेड इसलिए साउथ अफ्रीका में होगा क्योंकि इंडिया में गोल्ड एक्सट्रैक्ट करने की कीमत बहुत ज्यादा है, साउथ अफ्रीका में बहुत। कॉम्प्लीमेंटैरिटी, कॉम्प्लीमेंटैरिटी का मतलब ये होता है कि कंट्री ए है और कंट्री बी है, कंट्री ए के पास ऐसा गुड है जो कंट्री बी के पास नहीं है और कंट्री बी के पास ऐसा गुड है जो कंट्री ए के पास नहीं है, तो कॉम्प्लीमेंटैरिटी है। तो एक दूसरे को पूरा करने के लिए कंट्री ए को भी वो गुड चाहिए जो कंट्री बी के पास है और कंट्री बी को वो गुड चाहिए जो उसके पास नहीं है। तो क्या होता है कि हमें वो गुड चाहिए होता है, जैसे हमारी कंट्री इंडिया है, इंडिया में हमें हम आपके फूड ग्रेन्स इंपोर्ट नहीं करते क्योंकि हमारे पास हैं, बट कुछ हम कुछ कंट्रीज हैं जिन्हें हम फूड ग्रेन्स देते हैं जहाँ एग्रीकल्चर नहीं होता, इन प्लेस ऑफ हम उनसे लेते हैं पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सब चीजें लेते हैं, तो एक दूसरे की पूर्ति करते हैं हम। कॉम्प्लीमेंटैरिटी में एक दूसरे की पूर्ति करना होता है। एंड ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी आपका एक तरह से बन जाता है प्रिंसिपल इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, क्योंकि ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब होता है कि कॉस्ट क्या आ रही है गुड्स एंड सर्विसेज को ट्रांसफर करने में। मान लीजिए चाइना से इंडिया आयरन एंड स्टील लाने में हमें $1 लग रहा है, फॉर एग्जाम्पल हाइपोथेटिकल बता रहा हूँ, और बांग्लादेश से इंडिया में वही चीज लाने के लिए हमें $0.5 लग रहा है, तो हम ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ गुड्स की कॉस्ट देखेंगे कि यार कहाँ से सस्ता पड़ रहा है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, जहाँ से सस्ता पड़ेगा हम वहीं से गुड्स एंड सर्विसेज लेंगे। और इंटरनेशनल ट्रेड की बात करूं तो ये म्यूचुअली बेनिफिट करता है ट्रेडिंग पार्टनर्स को। थर्ड पॉइंट आपसे कहता है, इन मॉडर्न टाइम्स ट्रेड इज रिलेटेड टू फॉरेन पॉलिसी ऑफ नेशन। तो देखिए हर नेशन की एक फॉरेन पॉलिसी होती है, इंडिया की भी है, हमारे रिलेशंस कुछ कंट्री से बहुत अच्छे हैं, वैसे ऑलमोस्ट हर कंट्री से अच्छे हैं, बट कुछ कंट्रीज हैं जैसे पाकिस्तान, पाकिस्तान से हमारे फॉरेन पॉलिसी इतनी अच्छी नहीं है, इसीलिए हमारा जो ट्रेड है वो पाकिस्तान से इतना अच्छा नहीं है। एंड आई होप आपने लास्ट ईयर पुलवामा अटैक के बाद पढ़ा होगा, सुना होगा कि जो हमारा ट्रेड था पाकिस्तान बहुत बुरी तरह इफेक्ट हो गया था क्योंकि इंडिया ने उसे ट्रेड करना बंद कर दिया था। तो मॉडर्न टाइम्स में ट्रेड फॉरेन पॉलिसी बहुत एक तरह से इंपॉर्टेंट है, फॉरेन पॉलिसी जितनी अच्छी होगी उतने अच्छे ट्रेड रिलेशंस होंगे। डेवलप ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंटरनेशनल ट्रेड में, क्योंकि मान लीजिए आपके पास रिसोर्सेज हैं, इंडस्ट्रीज हैं और सब कुछ है आपके पास कंपैरेटिव एडवांटेज भी, आपके पास आप सस्ता लगा रहे हैं चीज़ों को, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी है और सब कुछ है आपके पास, हर एक रिसोर्स है, बट आखिर में आपका ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन ही नहीं होगा तो इंटरनेशनल ट्रेड कैसे होगा, क्योंकि ट्रांसपोर्ट करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज को तो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन चाहिए ही चाहिए। तो आई होप आपको इस पॉइंट से क्लियर हुआ होगा। अब हम बात करेंगे कुछ फैक्टर्स के बारे में जिनके कारण इंटरनेशनल ट्रेड होता है। तो सबसे पहला फैक्टर है आपका डिफरेंस इन नेशनल रिसोर्सेज।
तो ये हम सब जानते हैं कि जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो पूरे वर्ल्ड वाइड अलग अलग फैले हुए हैं। ऐसी कोई भी कंट्री नहीं है जहाँ वो बिल्कुल कंसंट्रेटेड हैं। दे आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड और उनका अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसीलिए एक बेसिस बन जाता है इंटरनेशनल ट्रेड का। क्योंकि जिस कंट्री के पास आयरन एंड स्टील नहीं है तो वो कंट्री आयरन एंड स्टील को खरीदेगी दूसरी कंट्री से जिसके पास आयरन एंड स्टील है। और मान लीजिए इंडिया है, इंडिया के पास क्रूड एंड पेट्रोलियम इतना अच्छा नहीं है, तो हमारे पास उसके रिसोर्सेज इतने अच्छे नहीं है, तो हम वो गल्फ कंट्रीज से खरीदते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर की। ये इसी का एक फैक्टर है कि ये डिफरेंसेस किसकी वजह से होते हैं। तो सबसे पहले आपका जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर आपका जो होता है उसका मतलब होता है कि अर्थ का मेकअप कैसा है, क्या कंट्री प्लेट्यू है कंट्री में, या कंट्री के लोलैंड्स हैं, लोलैंड्स में आपका एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होता है, या कंट्री में माउंटेन्स हैं। जैसे माउंटेनियस जो कंट्रीज होती हैं वहाँ टूरिस्ट स्पॉट्स काफ़ी अच्छे होते हैं, तो इसलिए वहाँ इंटरनेशनल ट्रेड टूरिज्म एक्टिविटीज काफ़ी अच्छा, सर्विसेज का ट्रेड होता है। और जो प्लेट्यूज होते हैं वहाँ से मिनरल्स काफ़ी अच्छे आते हैं। सेकंड है आपका मिनरल रिसोर्सेज। मिनरल रिसोर्सेज की हम बात करें तो मिनरल रिसोर्सेज भी आपके अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं पूरे वर्ल्ड में, और मिनरल रिसोर्सेज आर द बेस फॉर इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज या इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। मैन्युफैक्चरिंग में जितनी भी प्रोसेसिंग होती है आपकी, वो इट्स ऑल अबाउट मिनरल रिसोर्सेज। मिनरल जितने अच्छे होंगे उतने आपका इंडस्ट्रियल बेस मजबूत होगा, और मिनरल आपके अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, और इसलिए इंडस्ट्रीज जो हैं वो उन कंट्रीज से मिनरल रिसोर्सेस ट्रेड करती हैं जहां मिनरल रिसोर्सेस काफी अच्छे हों, चीप हों, इसलिए मिनरल रिसोर्सेस भी आपका एक बेसिस बन जाते हैं इंटरनेशनल ट्रेड का। नेक्स्ट है क्लाइमेट। क्लाइमेट की हम बात करें तो क्लाइमेट अफेक्ट करता है आपका क्रॉप्स को, आपके फ्लोरा एंड फौना, एनिमल लाइफ को, प्लांट लाइफ को। जैसे कोई कंट्री है, कंट्री में अलग अलग क्रॉप प्रोडक्शन होता है। कुछ रीजन्स ऐसे हैं वर्ल्ड के जहाँ बनाना प्रोडक्शन बहुत अच्छा है, कुछ ऐसे जो कॉफी ग्रोइंग रीजन हैं, तो इसलिए इंटरनेशनल ट्रेड होता है इनसे। सेकेंड है आपका पॉपुलेशन फैक्टर्स। अब पॉपुलेशन भी एक इंपॉर्टेंट बेसिस बन जाता है इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, क्योंकि देखिए आखिरी में खरीदने वाली तो पॉपुलेशन ही है उन प्रोडक्ट्स को। तो पॉपुलेशन का साइज, कितनी ज्यादा पॉपुलेशन है, जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ज्यादा डिमांड होगी। डाइवर्सिटी ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन की डिमांड क्या है, क्या पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग किस तरह का है। अगर पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत अच्छा होगा तो वो बहुत इंपोर्टेड गुड्स मंगाएंगे अपने आप, बहुत इंपोर्टेड गुड्स का इस्तेमाल करेंगे। अगर कंट्री एक तरह से पुअर है, उनके पास रिसोर्सेज इतने अच्छे नहीं है और पॉपुलेशन एक तरह से गरीब है, तो वो बेसिक नेसेसिटीज पर फोकस करेंगे। लाइक हमारी कंट्री इंडिपेंडेंस के टाइम पर हमने फोकस ये नहीं किया कि हम इंपोर्टेड परफ्यूम मंगाएं, इंपोर्टेड, हालांकि कुछ सेगमेंट था लोगों का जो इंपोर्टेड गुड्स यूज करते थे, बट आप अगर कंपेयर करेंगे आज के वो ग्रुप ऑफ पीपल, जो लोगों का ग्रुप है जो इंपोर्टेड गुड्स को इस्तेमाल करता है, वो बढ़ चुका है एज कंपेयर टू जो था इन 1947। तो पॉपुलेशन फैक्टर भी एक बेसिस है इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। इसका सब पॉइंट है कल्चरल फैक्टर्स। कल्चरल फैक्टर्स की हम बात करें तो जो अलग अलग तरह के आपके आर्ट एंड क्राफ्ट होते हैं वो डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड में फेमस है। जैसे हम बात करें तो इंडिया का एक टाइम ऐसा था जब हमारी मसलिन हो गया, या फिर जितने भी हमारे टेक्सटाइल्स थे बहुत फेमस थे वर्ल्ड वाइड बिफोर द कमिंग ऑफ ब्रिटिश, तो इसलिए हमारे यहाँ ट्रेड होता था। और अगर वैसे ही हम आज की बात करें तो चाइना प्रोड्यूसर्स फाइनेस्ट ब्रोकेट्स। ब्रोकेट्स एक तरह से कपड़ा होता है जिसमें मतलब जितना आर्ट एंड क्राफ्ट की जितनी चीजें होती हैं उनमें कुछ कंट्रीज स्पेशलाइज्ड हैं, बहुत फेमस है वर्ल्ड वाइड, बहुत फेम है उनका, तो इसलिए इंटरनेशनल ट्रेड होता है उन कंट्रीज से। नेक्स्ट है आपका साइज ऑफ पॉपुलेशन। साइज ऑफ पॉपुलेशन भी इफेक्ट करता है कि साइज ऑफ पॉपुलेशन बेसिकली आपका इफेक्ट करता है वॉल्यूम ऑफ ट्रेड। जितनी कम पॉपुलेशन होगी उतना कम आपका ट्रेड होगा, जितनी ज्यादा पॉपुलेशन उतना ज्यादा ट्रेड। अगर हम इसकी बात कर रहे हैं साइज ऑफ पॉपुलेशन की, तो इसमें आपका आता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी लोगों का डिटरमाइन करता है कि लोग किस तरह के प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं। अगर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत अच्छा है लोगों का तो लोग इंपोर्टेड गुड्स इस्तेमाल करते हैं। पर अगर कंट्री की पॉपुलेशन की हम बात करें, कंट्री की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है लाइक इंडिया, तो हमारे यहाँ इंटरनल कंजम्पशन ही काफ़ी ज़्यादा हो जाता है गुड्स का। जैसे टी है, टी के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, टी के वी आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। चाय के हम विश्व में सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करने वाली कंट्री इंडिया है, पर हम एक्सपोर्ट पर आए तो हम सेकंड नंबर पे आते हैं टी के एक्सपोर्ट में, क्योंकि हमारा इंटरनल कंजम्पशन ही इतना ज्यादा है। तो ये थे आपके बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। नेक्स्ट स्लाइड में हम इन्हीं को कंटिन्यू करेंगे। थर्ड बेसिस है आपका स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी इफेक्ट करता है आपको इंटरनेशनल ट्रेड को।
तो उसकी हम बात करें तो वो कंट्रीज जो एग्रेरियन है, जहां एग्रीकल्चर होता है, वहां वो कंट्रीज क्या करती हैं कि एग्रो प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करती हैं, और एग्रो प्रोडक्ट्स या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स चाहे वीट हो, राइस हो, इनके बदले आपके प्रोसेस या फिनिश्ड गुड्स लेती हैं डेवलप्ड कंट्रीज से। तो स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी एक रीजन है जिसके कारण आपका इंटरनेशनल ट्रेड होता है। जैसे कि आपका हम बात करें इंडिया के स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, तो 1947 के टाइम पर जब हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट हुई थी तो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट उतना अच्छा नहीं था। वी वर इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो उस समय हमारी मेन प्रायोरिटी क्या थी, फूड ग्रेन्स। तो इसलिए हम क्या करते थे कि फूड ग्रेन्स को ज्यादा से ज्यादा ट्रेड करते थे। पर अगर हम आज की बात करें तो आज हमारी जरूरतें बढ़ चुकी हैं, हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट का स्टेज आगे जा चुका है, तो आज हम आईटी प्रोडक्ट्स लेते हैं, सॉफ्टवेयर लेते हैं फॉरेन से, ये सब चीजें हम ट्रेड करते हैं। फोर्थ है एक्सटेंट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। एक्सटेंट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट की हम बात करें तो एक FDI का कंसेप्ट आता है, आप सबने इसके बारे में सुना होगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे इसमें, बस क्या होता है कि फॉरेन की कोई कंपनी आती है, आपके यहाँ लैंड लेती है, आपके एसेट्स को एक तरह से डायरेक्टली ले लेती है, डायरेक्टली लेती है इन द सेंस कि आपको उसको खरीदती है। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का एक्सटेंट भी डिपेंड करता है कि इंटरनेशनल ट्रेड कैसा हो, एंड इट बूस्ट ट्रेड इन डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलपिंग कंट्रीज जो होती है वहाँ एक्सटेंट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत मैटर करता है। हमारी कंट्री में भी कई सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ 100% फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर दिया गया है, तो इसलिए इससे क्या होता है, जो ट्रेड होता है वो बूस्ट होता है डेवलपिंग कंट्रीज में। ये भी एक बेसिस है इंटरनेशनल ट्रेड का, जहाँ FDI अच्छी होगी वहाँ इंटरनेशनल ट्रेड भी अच्छा होगा। फिफ्थ इज ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट की हम बात करें तो ट्रांसपोर्ट एक बहुत ही मेजर रीजन है जिसके कारण आपका ट्रेड इतना एक्सपेंड हुआ है। पहले की हम बात करें तो ड्यू टू लैक ऑफ एडिक्वेट, मतलब एडिक्वेट का कहने का मतलब है कि इतनी अच्छी ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज नहीं होती थी, इसलिए आपका ट्रेड इतना अच्छा नहीं होता था। पर आज हम बात करें, वी हैव डेवलप्ड शिप्स, कार्गोस, कंटेनर्स, तो इन सब के कारण हमारा जो ट्रेड है इट हैज एक्सपेंडेड ड्यू टू बेटर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। नेक्स्ट है आपके कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो सबसे पहला एस्पेक्ट है आपका वॉल्यूम ऑफ ट्रेड। वॉल्यूम का सिंपल मतलब होता है क्वांटिटी ऑफ ट्रेड। तो जैसा कि आपका पहला पॉइंट है, इट इज द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ट्रेडेड, कि गुड्स एंड सर्विसेज जो ट्रेड किए जा रहे हैं उनकी टोटल वैल्यू क्या है, इसको हम वॉल्यूम ऑफ ट्रेड कहते हैं। सेकंड इज इंक्लूड्स बोथ एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स। वॉल्यूम ऑफ ट्रेड में आपके दोनों एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट दोनों आते हैं। हमारी कंट्री से दूसरी कंट्री में बेचना एक्सपोर्ट एंड दूसरी कंट्री से खरीदना इम्पोर्ट। थर्ड इज वॉल्यूम ऑफ ट्रेड हैज बीन स्टेडीली राइजिंग ओवर द डिकेड्स। तो पिछले कुछ दशकों में ऐसा देखा गया जो ट्रेड का वॉल्यूम है, जो ट्रेड की क्वांटिटी है, वो बढ़ते जा रही है। इसका एक रीजन है जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। सेकंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कंपोजिशन ऑफ ट्रेड। कंपोजिशन ऑफ ट्रेड की हम बात करें तो सबसे पहला पॉइंट कहता है नेचर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ट्रेडेड बाय कंट्रीज हैव अंडरगॉन चेंजेस। तो पहले जो कंट्री प्राइमरी प्रोडक्ट्स ट्रेड करती थी, आज वो आईटी प्रोडक्ट्स ट्रेड कर रही है, तो एक कंपोजिशन में चेंज आया है। पहले जो हम ट्रेड कर रहे थे आज वो चेंज हो चुका है। सेकंड इज ट्रेड ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट वॉज डोमिनेंट इन द अर्ली 20th सेंचुरी, लेटर ऑन मैन्युफैक्चरिंग गुड्स गेन इंपॉर्टेंस। तो ये हम सभी जानते हैं कि 1900s के अराउंड जितना भी ट्रेड होता था वो मोस्टली प्राइमरी प्रोडक्ट्स का होता था, क्योंकि उस वक्त इंडस्ट्रियलाइजेशन था। मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था, बट उस वक्त इतना ज्यादा कंट्रीज में वो पहुंचा नहीं था, तो इसलिए प्राइमरी प्रोडक्ट्स बहुत ट्रेड किए जाते थे। बट लेटर ऑन 1950s के बाद हो गया, 1980s के टाइम पर आते आते मैन्युफैक्चरिंग गुड्स गेन इंपॉर्टेंस, इस पीरियड में आपके मैन्युफैक्चरिंग गुड्स ट्रेड किए जाने लगे। थर्ड इज एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, फ्यूल्स, टेक्सटाइल्स एक्सेट्रा आर ट्रेडेड मेजरली। तो 1955 से 2010 की हम बात करें, 2010 में आपका NCERT में जो एक स्टैटिस्टिक्स दिए हुए हैं, तो 2010 के अकॉर्डिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हो गए, फ्यूल्स हो गए, टेक्सटाइल्स हो गए, ये ऐसी चीजें जो बहुत ज्यादा ट्रेड की जाती हैं। फोर्थ है आपका ट्रेड इन सर्विसेज इज कैपेबल ऑफ जनरेटिंग मोर प्रॉफिट एज इट कैन बी एक्सपेंडेड इनफाइनेटली। तो जो आपका ट्रेड है सर्विसेज में, लाइक आपकी IT सर्विसेज हैं, आपके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, ये जो आपकी सर्विस सेक्टर है जो इन गुड्स को प्रोड्यूस करता है, ये ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करने को कैपेबल है, क्योंकि इनफाइनाइटली आप एक्सपेंड कर सकते हैं इनको, खूब सारे लोगों को आप दे सकते हैं। सर्विसेज हैं आपके, आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया, आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ पीपल, लोगों को वो बेच सकते हैं, तो इसलिए आप ज्यादा प्रॉफिट भी कमाएंगे, और इसलिए दीज आर कॉल्ड मोर प्रॉफिट प्रोड्यूसिंग गुड्स। आई होप आपको क्लियर हुआ हो। नेक्स्ट थर्ड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपका डायरेक्शन ऑफ ट्रेड। डायरेक्शन ऑफ ट्रेड की मतलब ट्रेड की दिशा क्या है, किस कंट्री में हो रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट है हिस्टोरिकली डेवलपिंग कंट्रीज एक्सपोर्टेड वैल्यूएबल गुड्स टू यूरोपियन कंट्रीज। तो पुराने समय की हम बात करें, हिस्टोरिकली जो डेवलपिंग कंट्रीज थी आपकी,
जैसे इंडिया हो गया, श्रीलंका हो गया, या और भी जितनी कंट्रीज थी, दे यूज टू एक्सपोर्ट वैल्यूएबल गुड्स टू यूरोपियन कंट्रीज। जैसे हम ही ब्रिटेन को कई सारे रॉ मटेरियल्स बेचते थे। तो सेकंड पॉइंट है, ड्यूरिंग 19th सेंचुरी यूरोपियन कंट्रीज स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग मैन्युफैक्चर्ड गुड्स फॉर रॉ मटेरियल्स फ्रॉम कॉलोनीज। पहले क्या होता था, जब ब्रिटेन इंडिया में नहीं आया था, तो तब हम उनको ऐसे प्रोडक्ट्स बेचते थे, एक्सपोर्ट करते थे, और वहां से हमें गोल्ड एंड सिल्वर मिलता था। बट सेकंड पॉइंट आपसे कहता है, ड्यूरिंग 19th सेंचुरी यूरोपियन कंट्रीज स्टार्टेड। अब 19th सेंचुरी में क्या हुआ, यूरोपियन कंट्रीज जो थी उनकी कॉलोनीज थी, उन्होंने सोचा खरीदना क्यों है इनसे, जब ये हमारी कॉलोनीज हैं, इफ दे आर अंडर आवर डोमिनेशन, व्हाई टू यू नो परचेज फ्रॉम देम, हम डायरेक्टली उनके प्रोडक्ट्स खुद बेच लेंगे। उन्होंने पूरे अपनी कॉलोनीज के ट्रेड पे कंट्रोल किया। तो 19th सेंचुरी यानी 1800 का पीरियड जो था आपका, उसमें जो यूरोपियन कंट्रीज थी, चाहे ब्रिटेन हो, उसने इंडिया से मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को भेजा इंडिया में और रॉ मटेरियल्स लिए। इंडिया से आपकी कॉटन ले गए एंड मैन्युफैक्चर करके उसे शर्ट बना के इंडिया में वापस भेजा। थर्ड इज यूरोप एंड यूएसए वर द मेजर ट्रेड पार्टनर्स एंड लीडर्स इन मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। तो यूरोप की हम बात करें और यूएसए की बात करें, उस समय मेजर ट्रेड पार्टनर्स थे। और जापान एक थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्री थी, जैसे आपके एनसीईआरटी कहती है इन ट्रेड। और हाँ, एक और क्वेश्चन जो एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज में आपका दिया है कि डायरेक्शन ऑफ ट्रेड कौन से कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा है, तो एग्जाम में लिखने को आया तो आपको यूरोप ही लिखना है। आई नो एमसीक्यू वीडियो में मैंने एक जगह उसे नॉर्थ अमेरिका बोला था, बट नाउ आई हैव पिंड द कमेंट, मैंने वहाँ पर बता दिया है कि वो उसका आंसर आपका यूरोप ही होगा, क्योंकि ये एक तरह से बहुत कंफ्यूजिंग था। कई सारे सोर्सेज कहते हैं कि नॉर्थ अमेरिका, अगर प्रेजेंट डे की बात करें तो नॉर्थ अमेरिका ही है, बट क्योंकि एनसीईआरटी यूरोप सबसे पहले लिख रहा है, तो इसलिए आप एग्जाम में आए तो यूरोप ही लिखिएगा। फोर्थ इज, ड्यूरिंग द लेट 20th सेंचुरी डायरेक्शन ऑफ ट्रेड चेंज्ड एज डेवलपिंग कंट्रीज स्टार्टेड कॉम्पीटिंग। अब फोर्थ पॉइंट आपसे कह रहे हैं कि पहले तो क्या होता था कि उन डेवलपिंग कंट्रीज, वो डेवलपिंग कंट्रीज डेवलप्ड कंट्रीज में अपने गुड्स बेचती थी, बट अब क्या हुआ, फोर्थ पॉइंट कह रहा है कि लेट 20th सेंचुरी यानी 1995-1998 जब हमारी कंट्री एलपीजी पॉलिसी इंट्रोड्यूस हो गई, उसके बाद क्या हुआ कि जो डायरेक्शन ऑफ ट्रेड थी वो चेंज हो गई, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज जो थी, पहले जो डेवलपिंग कंट्रीज थी जो इतना ज्यादा रोल प्ले नहीं करती थी, अब उन्होंने भी स्टार्ट कर दिया कंपीट करना डेवलप्ड कंट्रीज से। तो इससे डायरेक्शन ऑफ ट्रेड जो पहले मेजरली यूरोप, यूएसए, जापान, इन सारी कंट्रीज में होती थी, अब इनकी डायरेक्शन चेंज हो गई। नेक्स्ट टॉपिक है आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड की हम बात करें तो इट रिकॉर्ड्स द वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंपोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड बाय वन कंट्री टू अदर कंट्री। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड एक तरह से एक स्टेटमेंट है, एक पर्चा है, समझिए एक कागज है जिसमें सब कुछ रिकॉर्ड किया जाता है कि कितना इंडिया ने यूएसए से इंपोर्ट किया और कितना एक्सपोर्ट किया। तो आई होप आपको बीओटी का मतलब समझ आया होगा। और इसके साथ एक और कंसेप्ट आता है बीओपी, जिसे हम कहते हैं, ज्योग्राफी में तो इतना क्लियर नहीं दिया हुआ है, ज्योग्राफी में आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड में दोनों चीजें लिखी है, गुड्स एंड सर्विसेज। बट एक बेसिक डिफरेंस मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, वो ये है कि बीओटी जो होता है, नॉर्मली जनरली हम बात करें, एग्जाम में आए तो आपको जैसा स्लाइड में लिखा है वैसा ही लिखना है, पर जनरली हम बात करें तो बैलेंस ऑफ ट्रेड में आपके सिर्फ गुड्स एंड सर्विस, गुड्स को रिकॉर्ड किया जाता है, कितना गुड्स एक कंट्री से दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट हो रहा है, इंपोर्ट हो रहा है। बीओपी एक कंसेप्ट होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बीओपी जिसे कहा जाता है, उसमें आपके गुड्स एंड सर्विसेज दोनों रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो आई होप आपको इन दोनों का मतलब क्लियर हुआ होगा। सेकंड है आपका नेगेटिव बीओटी। तो बीओटी नेगेटिव जब होता है तो उसका मतलब है वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स, जितना हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो ज्यादा है एक्सपोर्ट से। कहने का मतलब इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं जितना हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जितना हम दूसरी कंट्री को बेच रहे हैं उससे ज्यादा हम खरीद रहे हैं। एंड इट लीड्स टू एग्जॉशन ऑफ फाइनेंशियल रिजर्व, क्योंकि हम दूसरी कंट्री से खरीद रहे हैं, अब तो हम डॉलर में पे करेंगे तो हमारे जो फाइनेंशियल रिजर्व होंगे वो कम होते जाएंगे। पॉजिटिव बीओटी की बात करें जो बहुत फेवरेबल होता है, इसमें क्या होता है, जो हम बेच रहे हैं दूसरी कंट्रीज को उसकी वैल्यू ज्यादा होती है जितना हम खरीद रहे हैं। हम अगर ज्यादा बेचेंगे एज कम्पेयर टू जितना हम खरीद रहे हैं तो हमें बेनिफिट होगा, फाइनेंशियल रिजर्व हमारे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो इंटरनेशनल ट्रेड बेसिकली दो टाइप के होते हैं। सबसे पहला आपका बायलेटरल ट्रेड। बायलेटरल ट्रेड आपका दो कंट्रीज के बीच किया जाता है, एक बायलेटरल एग्रीमेंट साइन किया जाता है दो कंट्रीज के बारे में बीच में, सॉरी, कि किन किन कमोडिटीज का ट्रेड करना है, कैसे ट्रेड करना है। सेकेंड है आपका ट्रेड मल्टीलेटरल ट्रेड। मल्टीलेटरल ट्रेड जैसा नाम से ही कह रहा है, मल्टी विद मैनी कंट्रीज, तो मल्टीलेटरल ट्रेड इज डन विद मैनी कंट्रीज। सेकेंड, स्टेटस ऑफ MFN, मोस्ट फेवर्ड नेशन इज ग्रांटेड टू सम ट्रेडिंग कंट्रीज। तो मल्टीलेटरल ट्रेड जो हो रहा है काफी कंट्रीज के बीच हो रहा है, तो उनके बीच एक
जो स्टेटस होता है, कुछ कंट्रीज जो होती है उनके ट्रेडिंग पार्टनर्स होते हैं उनको मोस्ट फेवर्ड नेशन का एक स्टेटस दे दिया जाता है। जैसे इंडिया को कई सारी मल्टीलेटरल ट्रेड ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं या फिर आपकी एजेंसी जो है मल्टीलेटरल ट्रेड हम जिनसे करते हैं उन्होंने इंडिया को MFN का टाइटल दिया हुआ है या स्टेटस दिया हुआ है। MFN में क्या होता है कि आपको दूसरी कंट्रीज के कंपेरिजन में जिनके पास MFN का स्टेटस नहीं है आपको गुड्स थोड़े चीप में मिल जाएंगे या फिर जो आपके ट्रेड वगैरह होंगे उन पर थोड़े रेस्ट्रिक्शन कम होंगे, तो ये सब चीजें होती हैं MFN में। नेक्स्ट है केस ऑफ फ्री ट्रेड। तो फ्री ट्रेड की हम बात करें तो इट इज सेम एज लिबरलाइजेशन, आप एक तरह से कह सकते हैं कि लिबरलाइजेशन को ही फ्री ट्रेड कहा जाता है। लिबरलाइजेशन में होता क्या है कि जितनी भी कंट्रीज हैं वर्ल्ड की उन सबको अपनी इकोनॉमीज को एक तरह से खोलना है, यानी अलाउ करना है दूसरी कंट्रीज को कि वो आएं और उन कंट्रीज में जाके अपने गुड्स एंड सर्विसेज बेच सकें, ट्रेड कर सकें। और फ्री ट्रेड किया जाता है बाय ब्रिंगिंग डाउन ट्रेड बैरियर्स। कई सारे ट्रेड बैरियर्स होते हैं लाइक क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन, आपका इम्पोर्ट टैक्स हो सकता है, इम्पोर्ट ड्यूटी अगर बहुत ज्यादा है तो हो सकता है लोग फ्री ट्रेड ना करें, तो इसलिए फ्री ट्रेड करने के लिए ट्रेड बैरियर्स को नीचे लाना पड़ता है। और ग्लोबलाइजेशन अगर फ्री ट्रेड के साथ मिल जाए, ग्लोबलाइजेशन यानी इंटीग्रेशन ऑफ वर्ल्ड, मतलब एक साथ पूरी जितनी भी सारी कंट्रीज अगर वो एक ही कंट्री में आपका फ्री ट्रेड करें तो जो डेवलपिंग कंट्रीज होंगी, डेवलपिंग कंट्रीज की यहाँ पर बात हो रही है, वो बहुत एडवर्सली इफेक्ट हो सकती हैं। इसको आप समझिएगा, डेवलपिंग कंट्रीज में जो कंज्यूमर होंगे उनको तो एक अच्छा ऑप्शन मिल जाएगा कि प्रोडक्ट कौन सा चूज करना है, डोमेस्टिक या फॉरेन, बट क्या होगा कि अधिकतर लोग क्या करेंगे, वो फॉरेन प्रोडक्ट को चूज करेंगे और उससे क्या होगा कि डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स होंगे उनको बहुत इफेक्ट पड़ेगा, हो सकता है उनको बहुत लॉस हो। फ्री ट्रेड की हम बात करें तो आपसे फोर्थ पॉइंट कहता है कि डेवलप्ड कंट्रीज क्या करती हैं कि वो डेवलपिंग कंट्रीज में जाके खुद तो ट्रेड कर लेती हैं अपनी, बट अपनी मार्केट्स नहीं खोलती। कहने का मतलब ये है कि डेवलप्ड कंट्रीज आपकी डेवलपिंग कंट्रीज में जाके ट्रेड करती हैं, MNCs बनाती हैं, बट जब डेवलपिंग कंट्रीज डेवलप्ड कंट्रीज में आती हैं तब वो उन्हें अलाउ नहीं करते, तो ऐसा नहीं करना है डेवलप्ड कंट्रीज को, उन्हें इक्वल प्ले फील्ड देना है दोनों कंट्रीज को। लास्ट हम बात करते हैं तो कंट्रीज नीड टू बी कॉशियस अबाउट डम्प्ड गुड्स। अब डम्प्ड गुड्स भी एक नया केस है फ्री ट्रेड में। डम्प्ड गुड्स में क्या होता है कि दो गुड्स हैं उन्हें दो अलग अलग कंट्री में किसी और रीजन से, नॉट अबाउट प्राइस, हो सकता है वो उनकी क्वालिटी उतनी अच्छी ना हो तो दो कंट्री में वो डिफर करता है उनका प्राइस। लाइक कंट्री ए में अगर वो 80 रुपीज का है तो कंट्री बी में उसे 5 रुपीज बहुत ही चीप रेट में बेच देंगे, तो ये डम्प गुड्स एक सीरियस प्रॉब्लम बनता जा रहा है कंट्रीज के लिए, तो कंट्रीज नीड टू बी कॉशियस अबाउट डम्प गुड्स। नेक्स्ट है हमारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO। WTO की हम बात करें तो इनिशियली WTO से पहले आपका GATT था, जो सारे टैरिफ्स ट्रेड इन सब पे जो आज WTO रोल प्ले करता है उससे पहले GATT रोल प्ले करता था। और GATT की हम बात करें तो जनरल एग्रीमेंट फॉर टैरिफ एंड ट्रेड, ये 1948 में आपका फॉर्म हुआ था जितने भी ट्रेड बैरियर्स थे, रेस्ट्रिक्शन थे उनको एक तरह से कम करने के लिए एंड हटाने के लिए। और GATT की हम बात करें तो वो WTO में GATT को ही रीनेम करके 1995 में WTO बना दिया गया, जिसके हेडक्वार्टर्स आज प्रेजेंट डे जेनेवा स्विट्जरलैंड में हैं। और WTO की हम बात करें तो एक ओनली ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड का एकमात्र ऑर्गेनाइजेशन है जो ग्लोबल ट्रेडिंग रूल सेट करता है और जो उसके मेंबर नेशंस होते हैं उनके बीच ट्रेड डिस्प्यूट्स हो या ट्रेड वॉर्स हो उनको भी सेटल करने की कोशिश करता है। बट WTO को कुछ लोग बहुत क्रिटिसाइज करते हैं क्योंकि उन लोगों का मानना है कि वो रिच एंड पुअर के बीच एक गैप है, मतलब रिच को ज्यादा फेवर करता है एंड पुअर को। इसको आप समझिएगा नेक्स्ट पॉइंट से। नेक्स्ट पॉइंट में कहता है कि इन्फ्लुएंशियल नेशंस इन WTO फोकस ऑन देयर रिस्पेक्टिव इंटरेस्ट। तो होता क्या है, जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं इनकी एक फंडिंग होती है, तो क्या करते हैं जो डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं, बड़ी बड़ी कंट्रीज लाइक USA आपका, रशिया हो गया, जापान, ये सब कंट्रीज एक तरह से ज्यादा फंड करके उस पर अपना इन्फ्लुएंस लाती हैं। उससे क्या होता है कि वो अपने फेवर में कई सारे रूल्स ले लेती है, तो इसीलिए कुछ स्कॉलर्स इसे क्रिटिसाइज करते हैं। Developed countries have not opened their markets for developing countries. तो ये वही बात है कि कई developed countries आज भी ऐसी हैं जिन्होंने अपनी markets को developing countries के लिए नहीं खोला है। वो developing countries में जाकर trade तो कर लेते हैं, but developing countries जब उनके वहाँ trade करने के लिए आती हैं तो वो restrictions बढ़ा देते हैं। WTO की हम बात करें तो इसमें एक और जो scholars point out करते हैं कि issues of health, labor rights, environment are ignored. इतना mass production करती हैं developed countries, अगर आपने कार्बन एमिशन की हम बात करें तो सबसे ज्यादा डेवलप्ड कंट्रीज ही उसे रिलीज करती हैं। कहने का मतलब पॉल्यूटेंट्स जो होंगे और जो आपके इश्यूज ऑफ हेल्थ, क्योंकि उन्हें प्रॉफिट अर्निंग पे ही मेन फोकस होता है, तो हेल्थ, लेबर राइट्स, चाइल्ड लेबर, इन जितनी भी MNCs होती हैं या छोटी मोटी कंपनियां जो बाहर से आती हैं हमारी कंट्री में एंड हमारी कंट्रीज की कंपनी के साथ मिल जाती हैं, वो इन हेल्थ इश्यूज को, लेबर राइट्स को इग्नोर कर देती हैं।
नेक्स्ट टॉपिक है रीजनल ट्रेडिंग ब्लॉक्स का। तो यहाँ पर BLOCS इसलिए लिखा गया है क्योंकि जो आपका BLOCKS होता है उसके कई सारे मतलब होते हैं। सबसे पहला उसका मतलब हो सकता है ब्लॉक ऑफ वुड इस्तेमाल करते हैं, आप कहते हैं इंजन ब्लॉक हो गया, रोड ब्लॉक हो गई, तो इस तरह से ब्लॉक के अलग अलग मतलब होते हैं। बट जो BLOCS आपका होता है, इस शब्द का मतलब एक होता है कि यूनिफाइड ग्रुप ऑफ नेशंस, की एक ग्रुप होता है उसमें कई सारी नेशंस जो होते हैं उनका एक समूह होता है। तो रीजनल ट्रेडिंग ब्लॉक्स की हम बात करें तो ये इसलिए एस्टेब्लिश किए गए ताकि वो ट्रेड बढ़ा सके बिटवीन कंट्रीज विद ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी। ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है कि नियरनेस, प्रॉक्सिमिटी इज नियरनेस। तो उन कंट्रीज के बीच ट्रेड बढ़ाने हैं रीजनल ट्रेडिंग ब्लॉक्स को जो पास पास लोकेटेड हैं, जो आस पास हैं, और उनके जो ट्रेडिंग आइटम्स हैं, जिन आइटम्स को वो ट्रेड करते हैं वो सिमिलर और सिमिलैरिटी है उनके ट्रेडिंग आइटम्स में, और कॉम्प्लीमेंटैरिटी। कॉम्प्लीमेंटैरिटी आप सब जानते हैं कि सिमिलैरिटी का मतलब तो जो एक समान गुड्स दो चार कंट्री साथ में दे रही हैं, कॉम्प्लीमेंटैरिटी मतलब कोई एक कंट्री है वो किसी एक प्रोडक्ट को बनाने में अच्छी है और दूसरी कंट्री है वो किसी दूसरे प्रोडक्ट को बनाने में अच्छी है। जो ए कंट्री है वो बी के प्रोडक्ट को बनाने में अच्छा नहीं है और बी वाली कंट्री जो वो ए के प्रोडक्ट को बनाने में अच्छा नहीं है, तो ये कॉम्प्लीमेंटैरिटी होती है। तो इसीलिए रीजनल ट्रेडिंग ब्लॉक सेटअप किए गए ताकि ट्रेड बढ़ाया जा सके उन कंट्रीज के बीच जो पास पास लोकेटेड हैं, विच आर नियर टू ईच अदर, और उनके जो ट्रेडिंग आइटम्स है उसमें सिमिलैरिटी एंड कॉम्प्लीमेंटैरिटी है। और रीजनल ट्रेडिंग ब्लॉक की हम बात करें तो ऑल्सो कर्व रेस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रेड ऑफ डेवलपिंग वर्ल्ड। आपको मैं बता दूं रीजनल ट्रेडिंग ब्लॉक्स जो मेनली फॉर्म किए हैं प्रेजेंट डे में भी आप देखेंगे तो उसमें मोस्टली डेवलपिंग कंट्रीज हैं आपकी वर्ल्ड की, तो ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस कम करने के लिए भी रीजनल ट्रेडिंग ब्लॉक्स को सेटअप किया गया। दीज वर डेवलप्ड टू बूस्ट ट्रेड इन बूस्ट इंट्रा रीजनल ट्रेड। तो इंट्रा रीजनल ट्रेड का मतलब आप सब जानते होंगे कि विद इन द रीजन, जैसे कोई भी एक ब्लॉक है उसका एक रीजन होता है स्पेसिफिक। तो जैसे आपने सुने होंगे आसियान हो गया, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, तो उसमें जो साउथ ईस्ट एशिया है उनके सारे नेशंस आते हैं। तो इसलिए जो इंट्रा रीजनल मतलब साउथ ईस्ट एशियन रीजन में जो विद इन साउथ ईस्ट एशियन रीजन उस ट्रेड को बूस्ट करना है, तो इंट्रा रीजनल का ट्रेड का मतलब होता है कि विद इन द रीजन जितना वो रीजन ब्लॉक कवर करता है उसमें ट्रेड बूस्ट करना है। लास्ट पॉइंट टुडे रीजनल ट्रेडिंग ब्लॉक्स शेयर्स 52% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड। और आज हम वर्ल्ड ट्रेड की बात करें तो उसमें 52% आपका कंट्रीब्यूशन रीजनल ट्रेडिंग ब्लॉक्स का होता है। नेक्स्ट हम करेंगे कुछ मेजर ट्रेडिंग ब्लॉक्स को, तो क्वेश्चन इससे आपका बन सकता है 1 मार्क्स के क्योंकि क्वेश्चन हिसाब से ज्योग्राफी में आने लगे हैं। तो कुछ सेलेक्टेड पॉइंट्स हैं, चिंता करने की कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं जितने पॉइंट्स आपको लिखा रहा हूँ आप उनको एक बार देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा। सबसे पहला आपका जो ट्रेडिंग ब्लॉक है इट इज एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसमें आपकी जितने भी साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज हैं वो सब आती हैं। इसका हेडक्वार्टर है जकार्ता इंडोनेशिया में। मेंबर्स आप देश के देख लीजिए सिंगापुर थाईलैंड मलेशिया है, और क्योंकि जकार्ता में इसका हेडक्वार्टर है तो इंडोनेशिया भी इसका एक तरह से मेंबर नेशन है। एंड आसियान वॉज फाउंडेड इन द ईयर 1967 और ये आपका ट्रेड करता है एग्रो प्रोडक्ट्स में, मिनरल्स में एंड सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स में। नेक्स्ट आपका कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स CIS, इसके हेडक्वार्टर्स हैं आपके मिन्स्क बेलारूस में। और CIS की हम बात करें तो इसके मेंबर नेशन हैं आपके रशिया यूक्रेन उज्बेकिस्तान, मोस्टली इसमें आपकी यूरोप की कंट्रीज आती है। और ये आपका फाउंड किया गया 1991 में एंड इट ट्रेड्स इन क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस। नेक्स्ट इज योर यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन के हेडक्वार्टर्स आपके ब्रसेल्स बेल्जियम में है। इसके मेंबर्स हैं स्पेन फ्रांस इटली एंड इट वाज फाउंडेड इन 1992। इट ट्रेड्स इन एग्रो प्रोडक्ट्स मिनरल्स एंड केमिकल्स। नेक्स्ट इज लैटिन अमेरिकन इंटीग्रेशन एसोसिएशन, इसके हेडक्वार्टर्स हैं आपके मॉन्टेवीडियो उरुग्वे में। इसके मेंबर्स मोस्टली आपके साउथ अमेरिकन कंट्रीज आती हैं लाइक अर्जेंटीना ब्राजील वेनेजुएला एंड इट वाज फाउंडेड इन द ईयर 1960। नेक्स्ट है आपका नाफ्टा। नाफ्टा की फुल फॉर्म आपकी है नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। तो ये फाउंड किया गया था 1994 में। इसकी मेंबर कंट्रीज हैं USA कनाडा मेक्सिको एंड इट ट्रेड्स इन एग्रो प्रोडक्ट्स कंप्यूटर्स एंड टेक्सटाइल्स। और एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता दूं कि पिछले साल ही इसको रीनेम करके यूनाइटेड स्टेट्स मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट कर दिया गया है। अब ये नाफ्टा नहीं रहा, बट NCERT की अपडेट काफ़ी समय बाद होती है तो इसलिए आपको एग्जाम में आया तो नाफ्टा ही लिखना है। सेकेंड नेक्स्ट है आपका ओपेक। ओपेक की फुल फॉर्म होती है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इसके हेडक्वार्टर्स हैं आपके वियना ऑस्ट्रिया में। मेंबर नेशंस देख लीजिए UAE यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इराक सऊदी अरेबिया, मोस्टली गल्फ कंट्रीज जहां ऑयल पाया जाता है। एंड इट वॉज फाउंडेड इन 1949 एंड ओपेक ट्रेड्स इन क्रूड पेट्रोलियम। नेक्स्ट है आपका साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट।
इसके मैं ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके मेंबर नेशंस में आप देख सकते हैं इंडिया आता है, नेपाल आता है, बांग्लादेश आता है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया इसमें इसका पार्ट है। एंड साफ्टा वॉज फाउंडेड इन 2006 और इसका मेन एम है टू रिड्यूस टैरिफ्स ऑन इंटर रीजनल ट्रेड, एक रीजन से दूसरे रीजन में जो ट्रेड होता है उसमें टैरिफ्स कम करने। और एक और बात मैं आपको इंटरेस्टिंग बता दूं कि कई लोगों को नहीं पता होता है, मैं बता दूंगा आपको कि जो साफ्टा है, इंडिया साफ्टा का पार्ट इसलिए है क्योंकि साफ्टा में जितनी भी कंट्रीज हैं आपकी साउथ एशियन की है, बट आसियान का पार्ट इंडिया नहीं है। उसका रीजन ये है कि इंडिया आसियान का पार्ट इसलिए नहीं है क्योंकि वो है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इंडिया साउथ ईस्ट एशिया में नहीं आता, इसलिए इंडिया इज नॉट पार्ट ऑफ आसियान बट इट इज पार्ट ऑफ साफ्टा। आई होप आपको क्लियर हुआ हो। नेक्स्ट है आपके कुछ कंसर्न्स विच आर रिलेटेड टू इंटरनेशनल ट्रेड। तो इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में भी कुछ पॉजिटिव्स हैं एंड कुछ नेगेटिव्स हैं, बस वही चीज है। तो इसके पॉजिटिव्स यानी मेरिट्स देख लेते हैं। तो ये म्यूचुअली बेनिफिशियल है अगर ये लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करता है और नॉलेज एंड कल्चर को एक तरह से डिफ्यूज करता है, मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्री आपकी नॉलेज एंड कल्चर अगर डिफ्यूज हो रही है तो ये बहुत अच्छा है। बट अगर ये ऐसा करता है कि किसी कल्चर को खत्म करता है, लाइक ब्रिटिश के टाइम पे क्या हुआ था कि वेस्टर्नाइजेशन जब आया था तो लोग इंडिया को भूल गए थे एंड वेस्टर्न कल्चर अपनाने को ज्यादा जाते थे, तो तब ये बेनिफिशियल नहीं है। बट अगर ये ऐसा करे कि ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव कर रहा है और नॉलेज एंड कल्चर जो है वो डिफ्यूज हो रहा है, फैल रहा है, तो ये बहुत अच्छा है। सेकंड है आल्सो बेनिफिशियल इफ लीड्स टू अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर ऑल। तो इंटरनेशनल ट्रेड तब भी अच्छा है जब अगर ये अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सबको गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल कराए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक पर्टिकुलर ग्रुप है लोगों का, उन्हीं को इंटरनेशनल ट्रेड गुड्स प्रोवाइड कर रहा है, इसको सबको गुड्स प्रोवाइड करने हैं फॉर ऑल। इसके नेगेटिव्स देख लेते हैं। इट लीड्स टू डिपेंडेंस ऑन अदर कंट्रीज। तो इंटरनेशनल ट्रेड में क्या होता है कि हम किसी कंट्री से ट्रेड कर रहे हैं तो हम उस पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। लाइक हम फूड ग्रेन्स की बात करें, इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ था, ध्यान से सुनिएगा, आपने सुनी भी होगी कहानी कि इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ था तो हमारे पास इतने सफिशिएंट फूड ग्रेन्स नहीं थे, इसलिए वी वर डिपेंडेंट ऑन यूएसए। हम यूके पर डिपेंडेंट थे वीट, राइस, इवन इन चीज़ों के लिए। बट हमने फिर सेल्फ सफिशियंसी को जब अपने 5 ईयर प्लान में रखा, फिर हमने हम सेल्फ सफिशियंट बने और आज हम एक्सपोर्ट करते हैं, हम वीट राइस इम्पोर्ट नहीं करते हैं। तो आई होप आपको इस पॉइंट से क्लियर हुआ हो कि किस तरह से इंटरनेशनल ट्रेड डिपेंडेंसी बढ़ा देता है एंड अनइवन लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट। और अनइवन लेवल ऑफ डेवलपमेंट का मतलब यह है कि इंटरनेशनल ट्रेड कुछ कंट्रीज को बहुत डेवलप कर देता है एंड कुछ कंट्रीज को बहुत ज्यादा एक तरह से डेवलप नहीं करता है। ये आपके डिमेरिट्स हैं जो नेगेटिव्स हैं आपके इंटरनेशनल ट्रेड के, कि डेवलपमेंट का लेवल इक्वल नहीं होता। कुछ कंट्रीज में डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है बट कुछ कंट्रीज में डेवलपमेंट अच्छा नहीं होता है। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आजकल बहुत रिसेंट है, बहुत फ्रीक्वेंट चलता है, आपके ट्रेड वॉर्स, चाहे आपका चाइना यूएस का ट्रेड वॉर हो, ट्रेड वॉर्स होते हैं कि अपने कमोडिटीज बेचने के लिए इंटरनेशनल मार्केट में किसका एक तरह से अपना दबदबा कायम करना, जिसे कहते हैं हम हिंदी में, तो वही चीज है, ट्रेड वॉर्स भी एक डिमेरिट है इसका। फोर्थ इफेक्ट्स एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ लाइक एनवायरमेंट एंड हेल्थ। तो इंटरनेशनल ट्रेड जितना आपका ज्यादा होगा उसका एक नेगेटिव नेगेटिव एक तरह से इफेक्ट आप कह सकते हैं एनवायरमेंट और हेल्थ पे भी होगा। एनवायरमेंट पे इसलिए क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड कमोडिटीज का होता है, चीज़ों का, जब चीज़ ज़्यादा प्रोडक्शन होगा उनका कार्बन एमिशन ज़्यादा होगा, उससे क्या होगा कि एनवायरमेंट इफेक्ट होगा। एंड हेल्थ पर भी इसका एक नेगेटिव इफेक्ट है कि हेल्थ जैसे एनवायरमेंट बिगड़ेगा वैसे हेल्थ भी बिगड़ेगी। लास्ट इज मरीन लाइफ इज डिप्लीटिंग फास्ट। तो इंटरनेशनल ट्रेड से आपकी मरीन लाइफ जो है इट इज ऑल्सो डिप्लीटिंग फास्ट, क्योंकि जितने भी शिप्स वगैरह एक तरह से ऑयल स्पिल्स, मतलब जो अपना वेस्ट ऑयल पानी में छोड़ते हैं, उससे जो एक्वाटिक लाइफ है उनको बहुत असर पड़ता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गेटवेज टू इंटरनेशनल ट्रेड। तो गेटवेज टू इंटरनेशनल ट्रेड आर हार्बर्स एंड पोर्ट्स। हार्बर्स एंड पोर्ट्स के द्वारा आपका इंटरनेशनल ट्रेड होता है। हार्बर्स एंड पोर्ट्स में एक डिफरेंस होता है, वो ये कि हार्बर्स जो होते हैं देखें इधर भी नेचुरल और मैनमेड, नेचुरल भी कई सारे होते हैं और मैनमेड तो होते ही होते हैं। तो हार्बर्स में क्या होता है कि जो शिप्स होते हैं उनको एक तरह से एंकर किया जाता है, या आप सिंपली कहें तो पार्क किया जाता है। मान लीजिए कोई मौसम खराब हो गया, शिप अपने डेस्टिनेशन पे नहीं जा पाया क्योंकि समुद्री तूफान वगैरह आ गया, तो क्या होता है हार्बर पे उन्हें पार्क किया जाता है। पोर्ट्स क्या होते हैं, पोर्ट्स आर यूज फॉर कमर्शियल पर्पस, पोर्ट से आप पैसा कमाते हैं, तो पोर्ट से आपका एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट किया जाता है गुड्स एंड सर्विसेज का। नेक्स्ट आपका पोर्ट्स प्रोवाइड फैसिलिटीज ऑफ डॉकिंग। डॉकिंग का मतलब होता है, जैसे आपने एक शब्द सुना होगा डॉकयार्ड, डॉकयार्ड एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे शिप्स को मेंटेन किया जाता है, शिप्स को जो होता है उनको कंस्ट्रक्ट किया जाता है, शिप बिल्डिंग की जाती है, तो डॉकयार्ड वो होता है। और फैसिलिटी ऑफ डॉकिंग ये होती है कि मान लीजिए जो शिप्स होते हैं वो अपने गुड्स एंड सर्विसेज लेकर आए, तो क्या होता है कि कई बार उन्हें मेंटेन करने की जरूरत पड़ जाती है क्योंकि कई खराबियां वगैरह आ जाती हैं। तो डॉकिंग का मतलब होता है कि उन शिप्स को मेंटेन करना। लोडिंग एंड अनलोडिंग फॉर कार्गो का मतलब है कि जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज जो होते हैं वो हम
शिप पर चढ़ा रहे हैं उतार रहे हैं तो वही आपकी लोडिंग एंड अनलोडिंग होती है। तो जो पोर्ट्स होते हैं फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। पोर्ट अथॉरिटीज मेंटेन नेविगेबल चैनल्स। नेविगेबल चैनल्स का मतलब होता है एक तरह से आपके रूट्स, जो आपके रूट्स होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं आपकी पोर्ट अथॉरिटीज। लाइट हाउस आपने देखा होगा जो शिप को डायरेक्शन देता है, ये सब पोर्ट अथॉरिटीज का काम होता है। नेविगेबल चैनल्स बनाता है जिससे शिप मूव कर सके। अरेंज टग्स एंड बार्जेस। तो टग्स की मैं बात करूँ तो टग्स आपकी एक ऐसी बोट होती है जो दूसरी बोट या शिप को खींच कर लाती है। एंड बार्जेस की मैं बात करूँ तो बार्जेस आर फ्लैट बॉटम शिप्स। बार्जेस आपके रिवर में चलती हैं। तो टग्स एंड बार्जेस की फैसिलिटी अरेंज करता है आपके पोर्ट अथॉरिटीज। बार्जेस आपके रिवर में चलती हैं जिससे जो आपके रिवर कैनाल, जिससे आपके जो गुड्स होते हैं हैवी गुड्स, दे कैन बी मूव्ड इनटू शिप इनटू अ रिवर और कैनाल। नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस ऑफ अ पोर्ट इज डिसाइडेड बाय साइज ऑफ कार्गो एंड नंबर ऑफ शिप्स हैंडल्ड। तो जिस पोर्ट की इम्पोर्टेंस जो है हम दो बेसिस पे जज करते हैं। सबसे पहले ये कि कितना किस साइज का कार्गो वो हैंडल कर रही है, कितने क्वांटिटी में वो कार्गो हैंडल कर सकता है एंड कितनी शिप वो हैंडल कर सकता है। नेक्स्ट इज क्वांटिटी ऑफ कार्गो हैंडल्ड बाय अ पोर्ट इंडिकेट्स द लेवल ऑफ हिंटरलैंड्स डेवलपमेंट। तो जितना क्वांटिटी एक पोर्ट का, जितना क्वांटिटी कार्गो एक पोर्ट हैंडल कर सकता है वो बताता है हमें कि उसके हिंटरलैंड का डेवलपमेंट क्या है। हिंटरलैंड एक तरह से वो पूरा लैंड एरिया होता है हार्बर पोर्ट के आसपास जहां आपका पूरी ट्रेडिंग एक्टिविटी की जाती है। हिंटरलैंड एक तरह से कोस्ट के आसपास के जितना भी लैंड एरिया होता है उसको हम हिंटरलैंड कहते हैं, जो एक तरह से पोर्ट अथॉरिटीज क्लेम करते हैं कि वो उनका है। इट इज़ यूज फॉर यू नो सप्लाई ऑफ दोज गुड्स एंड सर्विसेज जो आपका कार्गो आया। लास्ट आपका सैन फ्रांसिस्को इज द लार्जेस्ट लैंड लॉक्ड हार्बर इन द वर्ल्ड। तो सैन फ्रांसिस्को आपका वर्ल्ड में लार्जेस्ट लैंड लॉक्ड हार्बर है। आपका एनसीईआरटी में पिक्चर दी हुई उसके नीचे लिखा गया है। तो लैंड लॉक्ड हार्बर का मतलब होता है कि जो हार्बर है उसके आसपास काफी ज्यादा पूरी लैंड लॉक्ड है, पूरा आसपास पूरी लैंड ही लैंड है। आई होप आपको क्लियर हुआ हो। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ पोर्ट्स। तो टाइप्स ऑफ पोर्ट्स कुछ फैक्टर्स हैं जिन पर या बेसिस हैं जिन पर पोर्ट्स क्लासिफाई किया जाता है। सबसे पहले आपका कार्गो हैंडल्ड, और इस स्लाइड में हम कार्गो हैंडल्ड पे ही बात करेंगे। कार्गो हैंडल का मतलब है कि कितनी क्वांटिटी में वो गुड्स एंड सर्विसेज को रिसीव करता है। तो उसके बेसिस पे तीन क्लासिफिकेशन है। सबसे पहला आता है आपका इंडस्ट्रियल पोर्ट्स। इंडस्ट्रियल पोर्ट्स स्पेशलाइज इन बल्क कार्गो लाइक ग्रेन एंड ऑयल। तो इंडस्ट्रियल पोर्ट्स जो होते हैं वो बल्क कार्गो हैंडल करते हैं, लाइक ग्रेन, खूब सारे फूड ग्रेन्स आते हैं, ऑयल कंटेनर्स आते हैं। सेकंड इज कॉमर्शियल पोर्ट्स। कॉमर्शियल पोर्ट्स जो होते हैं वो एक तरह से डिफरेंस ज़्यादा नहीं होता है, कार्गो काफ़ी लार्ज क्वांटिटी में ही हैंडल करते हैं, बट पैकेज गुड्स एंड मैन्युफैक्चर्ड गुड्स ये भी हैंडल करते हैं आपके कॉमर्शियल पोर्ट्स, ऑल्सो पैसेंजर्स। कहने का मतलब जो पैसेंजर्स होते हैं वो भी कॉमर्शियल पोर्ट्स हैंडल करते हैं। थर्ड इज कॉम्प्रिहेंसिव पोर्ट्स। कॉम्प्रिहेंसिव पोर्ट्स जो होते हैं वो बल्क में बहुत ही लार्ज क्वांटिटीज में, और जो जनरल कार्गो होता है कुछ भी हो सकता है, वो लार्ज क्वांटिटीज में हैंडल करते हैं। और जो वर्ल्ड के बड़े बड़े पोर्ट्स हैं, चाहे आपका मुंबई पोर्ट हो या फिर आपका विशाखापट्टनम पोर्ट हो या फिर आप वर्ल्ड लेवल में बात करें तो योकोहामा पोर्ट आ जाता है, सैन फ्रांसिस्को, ये सब आपके कॉम्प्रिहेंसिव पोर्ट्स ही हैं, क्योंकि ये जो कार्गो है वो काफ़ी बल्क में लार्ज क्वांटिटीज में हैंडल करता है। लोकेशन के बेसिस पे भी पोर्ट्स को क्लासिफाई किया जाता है। तो सबसे पहला आपका इनलैंड पोर्ट्स। इनलैंड पोर्ट्स जो होते हैं वो एक तरह से आपके लैंड पे लोकेटेड होते हैं, इनलैंड, तो सी कोस्ट से काफी दूर लोकेटेड हैं ये, एंड दे आर लिंक्ड टू सी बाय रिवर और कैनाल। मान लीजिए कि एक सी है, उससे काफी सी कोस्ट से काफी दूर होते हैं इनलैंड पोर्ट्स, और सी और इन पोर्ट्स को लिंक करता है आपका एक रिवर और कैनाल, एंड एक्सेसिबल टू फ्लैट बॉटम शिप्स। फ्लैट बॉटम शिप्स को ही आपका बार्जेस कहा जाता है। बार्जेस सिंपली समझ लीजिए कि बोट की एक टाइप है, बोट की एक वेराइटी है जो सिर्फ रिवर और कैनाल पे चलती है। और इसका एग्जांपल देखिए, एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंटरनल एग्जामिनर्स अगर आपके प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे, ज्योग्राफी के होता है 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल, तो उसमें आपका इंटरनल एग्जामिनर बाहर से आता है, वो आपका ये फेवरेट टॉपिक होता है पोर्ट्स वाला, तो ये आपसे पूछता है, आपसे एग्जाम्पल पूछ सकता है कि इनलैंड पोर्ट्स क्या होते हैं, उसका एग्जाम्पल बताइए। तो उसका एग्जाम्पल है कि मेम्फिस। मेम्फिस इज लोकेटेड ऑन मिसिसिपी। मिसिसिपी रिवर है, उस पर आपका मेम्फिस पोर्ट लोकेटेड है। सेकेंड हम बात करते हैं आउटपोर्ट्स की। तो आउटपोर्ट्स आपके डीप वाटर पोर्ट्स होते हैं जो एक्चुअल पोर्ट्स से काफ़ी दूर बने हुए होते हैं। उसका रीज़न ये होता है क्योंकि जो लार्ज शिप्स होते हैं वो आपके जो एक्चुअल पोर्ट्स होते हैं वो रिसीव नहीं कर सकते, इसलिए आउटपोर्ट्स को बाहर बनाया जाता है। आउटपोर्ट्स नाम से समझ आता है कि जो एक्चुअल पोर्ट है उससे दूर। तो इसका एग्जाम्पल है एथेन पोर्ट्स का जो एक तरह से आउटपोर्ट है वो है पीरियस पोर्ट। पीरियस पोर्ट आप कह सकते हैं जो एथेन पोर्ट्स, एथेंस पोर्ट है वो उसका एक्चुअल पोर्ट है, और जो आउटपोर्ट है इसका पीरियस पोर्ट है।
नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशलाइज्ड फंक्शंस। तो कुछ फंक्शंस के बेसिस पर भी हम पोर्ट्स को क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले आपका ऑयल पोर्ट्स। ऑयल पोर्ट्स बहुत क्लियर है नाम से ही कि डील इन ऑयल प्रोसेसिंग एंड शिपिंग। ऑयल पोर्ट्स से आपके ऑयल प्रोसेस किए जाते हैं एंड शिप किया जाता है दूसरी कंट्रीज में। इसके एग्जाम्पल देख लीजिए, टैंकर पोर्ट्स। टैंकर पोर्ट्स आपके वो पोर्ट्स होते हैं जो ऑयल को स्टोर करते हैं एंड एक जगह से दूसरी जगह उन्हें ट्रांसफर करते हैं। इसके एग्जांपल देख लीजिए, मार्काइबो इन वेनेजुला इसका एग्जांपल है। रिफाइनरी पोर्ट्स आपके होते हैं जिन पोर्ट्स में आपका ऑयल रिफाइन किया जाता है, इसका एग्जांपल है एबेडान इन गल्फ ऑफ पर्शिया। काफी लोगों को आप में से क्लियर होंगे ये सब चीजें, बट एक तरह से आप देख लीजिए रिवाइज हो जाएगा। सेकेंड है आपके पोर्ट्स ऑफ कॉल। तो पोर्ट्स ऑफ कॉल आपके एक तरह से कॉलिंग पॉइंट्स होते हैं मेन सी पर, एक तरह से पहले होते थे, अब तो नहीं होते ऐसे क्योंकि अब तो कई सारी और फैसिलिटीज आ चुकी हैं, अब शिप इतने वेल इक्विप्ड होते हैं। बट पहले क्या होता था कि शिप अगर यूरोप से एशिया आ रहा है, इंडिया आ रहा है, तो आते आते उस पर कई खराबी आ जाती थी या फिर जो खाना पीना जो लोग लेकर चलते थे, जितने भी एक तरह से जहाज को चलाते थे वो सब लेकर चलते थे चीजें, वो खत्म हो जाती थी। तो क्या होता था कि ऐसे पोर्ट बनाए जाते थे बीच रास्ते में, डेस्टिनेशन पर नहीं। जैसे यूरोप से आपका अफ्रीका एक पोर्ट जा रहा है तो बीच में इंडिया में रुकेगा और इंडिया में एक तरह से पोर्ट ऑफ कोई कॉल होगा, वहां पर वो रुकेगा, अपने पूरा मेंटेन करेगा शिप को, पूरा खाना पीना पूरा शिप को ठीक ठाक किया जाएगा, एक तरह से शिप को मेंटेन किया जाएगा दोबारा उसे आगे जाने के लिए। और इससे मैं एक फनी एग्जाम्पल आपको समझाऊं, तो ये जैसे शादियां होती हैं, शादियों में मेन आप अगर किसी बारात में जाते हैं तो मेन लोकेशन डेस्टिनेशन पे पहुंचने से पहले जो बारातियों के लिए आपका एक जनवासा जिसे कहा जाता है वही आपका एक पोर्ट ऑफ कॉल होता है। यहाँ पर एक तरह से आपका खाना पीना, एक तरह से आप फ्रेश होते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसके एग्जाम्पल देख लीजिए, एडन एंड सिंगापुर इसके एग्जाम्पल है पोर्ट्स ऑफ कॉल के। एडन एंड सिंगापुर पे ही आपके शिप्स रुकते थे और अगर फ्यूल खत्म हो जाता तो रिफ्यूल किया जाता था, फूड आइटम्स लेते थे एंड शिप को मेंटेन किया जाता था। थर्ड है आपका पैकेट स्टेशन। पैकेट स्टेशन कहो या फेरी पोर्ट्स कहो, बात एक ही है, दोनों सेम पोर्ट्स होते हैं। तो दीज एक्सक्लूसिवली ट्रांसपोर्ट पैसेंजर्स एंड मेल अक्रॉस वाटर बॉडीज फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेस। देखिए एक बात ध्यान में रखिएगा, जितनी भी चीज़ें मैं अपनी स्लाइड में बताते जा रहा हूँ ये आपको लर्न करनी ही करनी है। तो जो आपके फेरी पोर्ट्स होते हैं उनमें आपके ना गुड्स एंड सर्विसेज जाते हैं ना आपके ऑयल वगैरह ट्रांसपोर्ट किया जाता है, दीज आर एक्सक्लूसिवली, यहाँ आपका सिर्फ पैसेंजर्स जो लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे होते हैं थ्रू शिप्स, एंड मेल्स जो आपकी मेल होती हैं वो सब कैरी की जाती हैं अक्रॉस वाटर बॉडीज फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेज। ये भी ध्यान रखिएगा, फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेज, ज़्यादा लंबी डिस्टेंसेज के लिए नहीं होते फेरी पोर्ट्स, दे आर फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेज। इसका एग्जाम्पल है डोवर इन इंग्लैंड। डोवर पोर्ट फेरी पोर्ट है, एग्जाम्पल है इंग्लैंड में जो लोकेटेड है। नेक्स्ट है आपका इंटरपोर्ट पोर्ट्स। तो इंटरपोर्ट पोर्ट्स सिंपली आपके कलेक्शन सेंटर्स होते हैं जहां आपके जो गुड्स होते हैं वो डिफरेंट कंट्रीज से लाए जाते हैं, बहुत सारी कंट्रीज से, 15-20 कंट्रीज से एक साथ जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो कलेक्ट किए जाते हैं और दूसरी कंट्रीज में भेजे जाते हैं फॉर एक्सपोर्ट, मतलब एक्सपोर्ट किए जाते हैं दूसरी कंट्रीज में। इसका एग्जाम्पल है एशिया में सिंगापुर। एशिया की जितनी भी कंट्रीज हैं उन सबसे प्रोडक्ट्स लिए जाते हैं सिंगापुर के पोर्ट में जिसे इंटरपोर्ट पोर्ट है, और उस वहाँ कलेक्ट करके दूसरी और कंट्रीज में, यूरोप की कंट्रीज में, अफ्रीका की कंट्रीज में भेजा जाता है। सिंगापुर फॉर एशिया, सिंगापुर इसका एग्जांपल एशिया में है और यूरोप में इसका एग्जांपल रॉटरडैम है। लास्ट इज नेवल पोर्ट्स। और ध्यान में रखिएगा इस स्लाइड में भी हम फंक्शंस के बेस पर ही इसे क्लासिफाई कर रहे हैं। तो नेवल पोर्ट्स हैव स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस सर्व वॉरशिप्स। तो जैसे आपके INS विक्रांत होगा, हो गया INS विक्रमादित्य हो गया, जितने भी ये फाइटर शिप्स हैं आपके, ये सब आपके नेवल पोर्ट्स में एक तरह से रुके हुए होते हैं, दीज सब वॉरशिप्स। तो आपके जो नेवल पोर्ट्स होते हैं वो एक तरह से नेवी के लिए हेल्पफुल होते हैं एंड दे हैव स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, वॉर में काफी हेल्प करते हैं, दे सब वॉरशिप्स। तो आई होप आपको क्लियर हुआ हो। इसके एग्जाम्पल है कोची एंड कार्वर पोर्ट इन इंडिया। यहाँ पर आपके जो इंडिया के बड़े बड़े एक तरह से हम बात करें तो फाइटर शिप्स हैं वो सब यहाँ पर लगे रहते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हुआ हो। सो गाइज, दिस वॉज ऑल फॉर दिस लेसन। मैंने अपना पूरा ट्राई किया कि मैं कंटेंट को बहुत सिंप्लीफाई करके आपको एक्सप्लेन कर सकूं। फिर भी आपको कोई डाउट आए, कन्फ्यूजन आए तो फील फ्री टू कमेंट डाउन। आप लोग अक्सर, आपको कोई डाउट आए तो आप कमेंट करते नहीं हैं, पर कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आई विल सॉल्व योर क्वेरी, क्योंकि डाउट आते हैं, आई एक्सेप्टेड, मुझे भी आते थे, पर अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, चैप्टर आप पढ़ चुके हैं, अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो आप उसको पूछें। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।